हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस. प्री क्योर में आप सबका स्वागत है. आज हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. राइट, शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट. हमारी प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज इज़ लाइव. आप इसको चाहे तो विद वीडियो सॉल्यूशंस वाले मॉड्यूल में ले सकते हैं या विदाउट. विद और विदाउट में इतना ही डिफरेंस है कि विद में आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे एज वेल एज पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन विदाउट में सिर्फ आपको पीडीएफ ही मिलेगा. ठीक है, उसके अलावा 31 टेस्ट हैं जो दोनों मॉड्यूल्स में कॉमन है. और करंट अफेयर्स हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं. वी आर कवरिंग द करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 36 मंथ्स ऑल्सो. एंड देन जो हमारे सेक्शनल टेस्ट होंगे जो कि सब्जेक्ट वाइज होते हैं, उसमें भी हम 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे आउट ऑफ 100. देन हाफ लेंथ टेस्ट रहेंगे. इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया बुक का एक एक्सक्लूसिव टेस्ट रहेगा. और 6 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे. ठीक है, उसके अलावा हमारा एसे कोर्स भी चल रहा है. सो एसे कोर्स इज़ फॉर 4999. ठीक है, लेकिन अभी संडे तक यू हैव अ डिस्काउंट ऑफ 999. ठीक है, सो इफेक्टिवली आपको वो 3999 का, मतलब 4000 का पड़ेगा. तो यू कैन ऑल्सो इनरोल फॉर द एसे कोर्स विच इज़ ऑन डिस्काउंट अनटिल संडे. सो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ. सो दीज आर द करंट अफेयर्स विच वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर. ठीक है, सो शुरू करते हैं पहले के साथ. सो द फर्स्ट वन इज दैट अ न्यू स्पीशीज ऑफ बंगाल ट्री फ्रॉग हैज़ बीन रिकॉर्डेड, हैज़ बीन डिस्कवर्ड. ठीक है, जो जितनी भी न्यू स्पीशीज़ होती हैं, फॉर एग्जाम्पल देर वॉज अ क्वेश्चन इन 2016 प्रीलिम्स लाइक फॉर विद रिस्पेक्ट टू अ बनाना विच वॉज डिस्कवर्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो एक नई स्पीशीज़ बनाना की डिस्कवर हुई थी और UPSC ने उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था. तो जितनी भी नई स्पीशीज़ हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए. मेक अ यू नो डायरेक्ट्री जिसमें आप नई स्पीशीज़ लिखते रहें एटलीस्ट एक साल की प्रायर टू योर प्रीलिम्स. सो 6 हर्पेटोलॉजिस्ट. हर्पेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स के ऊपर स्टडी करते हैं. सो दीज 6 हर्पेटोलॉजिस्ट फ्रॉम असम, वेस्ट बंगाल एंड मलेशिया हैव रिकॉर्डेड अ न्यू स्पीशीज ऑफ ट्री फ्रॉक. ठीक है, अब ये जो ट्री फ्रॉक की नई स्पीशीज़ है ना, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रेजिडेंशियल एरियाज़ में मिलती है. ये नहीं है कि आपको डेंस फॉरेस्ट में मिलेगी, तो इसलिए हम इसको डिस्कवर नहीं कर पा रहे थे, ढूंढ नहीं पा रहे थे. ये रेजिडेंशियल एरियाज़ में होने के बावजूद भी अभी डिस्कवर हुई है. ठीक है, सो देयर स्टडी एस्टैब्लिशिंग द मिड साइज्ड ट्री फ्रॉक एज द 26th स्पीशीज़ विच हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर द जीनस ऑफ. देखो जीनस, जो ये जीनस है पॉलीपेडेटिस. ठीक है, अब ये जो पॉलीपेडेटिस जीनस है, इसमें से एक इसके अंडर अभी तक 25 स्पीशीज़ थी. अभी 26वीं स्पीशीज़ जो डिस्कवर हुई है वो इस ट्री फ्रॉक की है. ठीक है, और ये पब्लिश हुआ है जू टैक्सा में, विच इज़ अ पीयर रिव्यूड साइंटिफिक मेगा जर्नल फॉर एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट्स. ठीक है, सो अब ये पॉलीपेडेटिस एक ट्री फ्रॉक की ब्रॉडर कैटेगरी है जिसमें अब 26 स्पीशीज़ हो गई हैं. और ये जो ट्री फ्रॉग हैं ये मोस्टली आपको साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं. जो नई स्पीशीज़ है उसको बंगाल ब्लॉच्ड हैज़ बीन नेम ब्राउन ब्लॉच्ड बंगाल ट्री फ्रॉग. ठीक है, और अगर हम इसका पूरा नाम देखें तो पॉलीपेडेटिस बंगालेनिसिस है. ठीक है, सो ये इसका नाम है. एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ 6 to 9 डार्क ब्राउन ब्लॉचेस विच एक्सटेंड लेटरली फ्रॉम बिहाइंड दी फ्रॉग्स आई टू दी वेंट. ठीक है, तो ऐसे ब्लॉचेस हैं उसके ऊपर, ब्राउन ब्लॉच बंगाल ट्री फ्रॉग उसका नाम दिया गया है. एंड अगर हम कलर देखें, सो इट इज़ येलोइश ब्राउन टू ग्रीनिश ब्राउन. सो इट इज़ ब्राउन इन कलर विद ब्लॉचेस. ठीक है, विच आर डार्कर. ठीक है, और ये थ्रू आउट दी बॉडी पे मिलते हैं, उसके ऊपर इसका नाम है. सो इफ़ यू सी दी इमेज, सो दिस इज, सो कैन यू सी दीज ब्लॉचेस. ठीक है, तो ये ऐसे आपको पूरे उसकी बॉडी में मिलते हैं. राइट, सो दिस वॉज रिगार्डिंग दिस न्यू स्पीशीज. देन द नेक्स्ट इज दैट एन ऑनलाइन रिपोजिटरी इज़ बीइंग कंपाइल्ड. ठीक है, ताकि जो एकेडमिशियंस हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको एक रिपोजिटरी मिल जाए रिगार्डिंग एनी स्टडी विच और एनी रिसर्च विच हैज़ टेकन प्लेस ऑन एयर क्वालिटी इन द कंट्री. ठीक है, तो एक रिपोजिटरी है जो कि इज़ बीइंग सेटअप. कौन सेट कर रहा है? सो इट इज़ बीइंग सेट अप बाय CSIR, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और नीरी. तो CSIR नीरी ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन रेपोजिट्री को, विच इज़ फर्स्ट एंड इंटरेक्टिव. ठीक है, जिसका नाम है IndAIR, इंडियन एयर क्वालिटी स्टडीज़ इंटरेक्टिव रेपोजिट्री. तो
तो इसमें जो 1905 ऑनवर्ड्स की लेजिस्लेशंस हैं वो तक हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रेपोजिट्री है। तो आइडिया क्या है इस प्रोजेक्ट का कि जो भी एयर पोल्यूशन या एयर क्वालिटी से रिलेटेड रिसर्च हो रही है, एक तो वो एक जगह पे आपको मिल जाए एंड दैट इज़ अवेलेबल टू एवरीवन। सो नीरी हैज़ बीन वर्किंग टू डेवलप अ वेब रेपोजिट्री ऑफ ऑल द रिसर्च जो कि हुई है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एयर क्वालिटी इन आर कंट्री, ठीक है। एंड इट वुड बी द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव effort to inventorize surviving Indian research and analysis on air pollution, उसके causes, effects, ठीक है। और दूसरी चीज़ यह है कि एक तो सबको हमने inventory की form में एक जगह पर रख दिया, दूसरी बात यह है कि ये जो inventory है it will be in an easily accessible web format and it would be available to everyone, media, researchers and academics, राइट। एंड उसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात देखें तो काफ़ी इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट लिया गया है। फॉर एग्जांपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज बार्क, ठीक है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशंस लाइक टेरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, CPCB, दे हैव ऑल कोलैबोरेटेड विद नीरी फॉर दिस प्रोजेक्ट, राइट। और अगर हम देखें अब ना इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें कैसे ये हेल्प करेगा, सो देर वर एग्जाम्पल्स व्हेन द गवर्नमेंट एजेंसीज वर एबल टू रेगुलेट द इमिशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन सर्टेन रिसर्चेस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है चेंबूर जो कि मुंबई में है, ड्यूरिंग 1970s और 80s बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था, इट वॉज क्रिटिकली पोल्यूटेड, सो दे वर लाइक कंप्यूटर मॉडलिंग एस्टिमेट्स वर अराइव्ड एट सो एज टू कि कितना पोल्यूटेंट्स आर एट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इंडस्ट्रीज। तो फिर उसके बाद पता चल गया इतना पोल्यूशन इंडस्ट्री से आ रहा है, तो इंडस्ट्रीज़ को बोला गया कि आप इससे ज़्यादा इमिट नहीं कर सकते, इमिशन कंट्रोल लिमिट्स वर पुट एंड देन हेल्प्ड दैट हेल्प्ड टू क्लीन अप द एयर, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास इन्वेंट्री है ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन तो यू कैन यूज़ इट, यू कैन अप्लाई इट इन द प्रेजेंट टाइम्स, अगर पहले कभी हुआ है तो जो भी रिसर्च हुई है आज तक रिगार्डिंग एयर क्वालिटी हैज़ बीन कंपाइल्ड इनटू दिस वन इन्वेंटरी एंड इट इज़ अवेलेबल टू एवरीवन, राइट। नेक्स्ट है वेस्टलैंड एटलस, ठीक है। वेस्टलैंड एटलस जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने निकाला है। सो बेसिकली जो इसका पर्पस है वो यही है कि हम जो भी इंडिया के वेस्टलैंड्स हैं उनको प्रोडक्टिवली यूज़ कर सके। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ कम अप विद द फिफ्थ एडिशन ऑफ वेस्टलैंड एटलस इन 2019, 8 years आफ्टर द लास्ट वन विच वॉज पब्लिश्ड इन 2011, राइट। सो दिस इज सिग्निफिकेंट एज इट टेक्स इन टू अकाउंट 12.08 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ अनमैप्ड एरिया ऑफ JNK फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो JNK का एरिया पहली बार फिफ्थ वेस्टलैंड एटलस में इंक्लूडेड है। और बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है दैट हैज़ कोलाबोरेटेड विद नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग सेंटर्स, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सी स्पेस, और इन दोनों ने कोलैबोरेट करके वेस्टलैंड एटलसेस निकाले हैं। चार पहले आ चुके थे 2000, 2005, 2010, 2011 में, और जो लेटेस्ट है अब आया है 2019 में, ठीक है। सो इट इज़ अ कोलैबोरेशन ऑफ दीज टू डिपार्टमेंट्स। और अगर हम देखें ये जो वेस्टलैंड मैपिंग एक्सरसाइज है इट हैज़ बीन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। और इंडिया हैज़ एन एरिया, अगर हम कंपेयर करें दुनिया का, तो इंडिया के पास 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया है एंड इट इज़ सपोर्टिंग 18% ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो इंडिया में कम है कंपेयर टू वर्ल्ड पर कैपिटा एग्रीकल्चरल लैंड, दैट इज़ 0.29 हेक्टेयर्स, इंडिया में इट इज़ 0.12 हेक्टेयर्स बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है, राइट। और अगर हम देखें इसके कुछ फाइंडिंग्स, तो जो वेस्टलैंड एटलस है उसमें ये पता चला है कि जो हमारा स्पेशल एक्सटेंट ऑफ वेस्टलैंड, ठीक है, सो इफ़ वी कंपेयर इट विद द वन, इफ़ वी कंपेयर इट विद द प्रीवियस वन, ठीक है, तो उसे कम हुआ है, ठीक है। सो वी हैव the effort has resulted in estimating the spatial extent of wasteland for entire country to the tune of 55.76 million hectares, that is 16.96% of the geographical area of the country, ठीक है, as compared to 56.60 in the year 2008 and 2009, मतलब कम हुआ है जो हमारा वेस्टलैंड है, स्लाइटली कम हुआ है, ठीक है। सो ये इसलिए है क्योंकि 1.45 million hectares of the wasteland has been converted to non-wasteland categories, ठीक है, तो बहुत स्लाइटली कम हुआ है,
लेकिन कम हुआ है वेस्टलैंड. सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन दी कैटेगरीज ऑफ लैंड विद डेंस स्क्रब, वाटर लॉक्ड एंड मार्शी लैंड, सैंडी एरियाज. सो दे हैव बीन, दीज वेस्टलैंड्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू नॉन वेस्टलैंड्स. तो 1.45 मिलियन हेक्टेयर कम हुआ है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द वेस्टलैंड एटलस 2019 में आया है, आपको पता होना चाहिए कौन से दो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज. ये फिफ्थ है, पहली बार इसमें इंडियन जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज़ किया गया है और हमारा जो वेस्टलैंड है वो कम हुआ है, ठीक है. और जे एंड के का, सॉरी, पहली बार जो एरिया है दैट हैज़ बीन मैप्ड, ठीक है. सो ये था. देन नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ कार्बन बर्डन. तो अभी एक स्टडी हमारे पास आई है, कार्बन ब्रीफ में एनालिसिस हुआ है इसका. तो वहाँ पे पता चला है कि इंडिया का जो CO2 इमिशन की ग्रोथ है वो कम हो गई है. दैट हैज़ स्लोड डाउन शार्पली, पुटिंग द कंट्री ऑन ट्रैक टू इट्स लोएस्ट एनुअल इंक्रीज इन नियरली 20 ईयर्स, ठीक है. तो हर साल, जैसे कि कोई कोई साल है, जैसे हम कंपेयर करें 2017 और 2018 में जो इंक्रीज हुआ है, लेट्स से 7% हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस में, लेकिन 2018 से 2019 में सिर्फ 2% हुआ है. तो जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुआ है. कार्बन डाइऑक्साइड तो अभी भी बढ़ रही है, लेकिन जो रेट है दैट हैज़ डिक्रीज्ड. सो इट हैज़ बीन बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, कोल, ऑयल एक्सेट्रा. और पता चला है कि 2% ही इंक्रीज हुआ है इन द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, एंड इट इज़ अ लोअर रेट देन एनी एनुअल इंक्रीज सिंस 2001 से. अगर हम साल दर साल एनुअल इंक्रीज देखें तो लोएस्ट है जो 2018 टू 2019 में हुआ है. तो मेन रीज़न इसका ये दिया जाता है कि एक तो कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में एक्सपेंशन नहीं हो रही है, ठीक है, जो कि मेजरली रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के लिए. तो एक कोल फायर्ड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसकी एक्सपेंशन कम है, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है एंड डिमांड ग्रोथ इज़ ऑल्सो स्लोइंग. सो दीज आर द रीजन्स कि सिर्फ 2% ही बढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस. ऑयल डिमांड हैज़ ऑल्सो स्लोड डाउन, हेल्पिंग इन कीपिंग द इंक्रीज टू जस्ट 2% अगेंस्ट एन एवरेज ऑफ 5% पर ईयर ओवर द पास्ट डिकेड. अगर हम पिछले 10 साल देखें तो 5% एवरेज रहता है, लेकिन 2% तो वेरी लो. राइट, सो इफ़ यू सी द ग्राफ, सो यू कैन एक्चुअली सी दैट यहाँ पे 7% भी हुई है, इस बार सिर्फ 2% पे रह गया है. सो इट हैज़ फॉलन शार्पली. राइट, और लाइक आई सेड कि रिन्यूएबल एनर्जी में भी ग्रोथ हुई है. तो विंड एनर्जी 17% बढ़ा है, ठीक है, कंपेयर टू द सेम व्हेन, अगर आप पहले 6 महीने कंपेयर करो 2018 के और 2019 के, तो विंड एनर्जी 17% बढ़ा है, सोलर 30%, हाइड्रो इंक्रीजिंग 22%, ठीक है. सो ऑब्वियसली ये तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करते कार्बन डाइऑक्साइड को, जो रिन्यूएबल एनर्जी है. तो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज दिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस की ग्रोथ में. देन लास्ट ईयर ऑल्सो देर वॉज अ रिपोर्ट बाई इंटरनेशनल एनर्जी इमिशंस एजेंसी, जिन्होंने कहा था कि इंडिया की जो पर कैपिटा इमिशंस हैं देवर अबाउट 40% ऑफ द ग्लोबल एवरेज, ठीक है, और दे कॉन्ट्रीब्यूट, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड 7% टू द ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड बर्डन. तो अब ये थोड़ा कम हो जाएगा, और USA इज़ द लार्जेस्ट एमिटर विच कॉन्ट्रीब्यूटेड 14%, ठीक है. और इंडिया को अगर कम करना है, इंडिया हैज़ टू स्टिक टू इट्स जो अंडर द पैरिस अग्रीमेंट जो इंडिया ने कमिटमेंट्स किए हैं NDCs के तहत, कि वो इमिशन इंटेंसिटी को कम करेंगे, ठीक है. सो उसके तहत वी आर ऑन द करेक्ट पाथ, ठीक है. सो इंडिया ने बोला है कि 40% ऑफ एनर्जी एक तो रिन्यूएबल से आएगी बाय 2030, एंड एट द सेम टाइम वी विल ऑल्सो डिक्रीज आर एमिशंस इंटेंसिटी, ठीक है. सो दिस वॉज रिगार्डिंग द इंडियाज द कार्बन बर्डन इन इंडिया. देन लाइक यू हैव सीन इन द पास्ट फ्यू डेज के पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन दिल्ली NCR बिकॉज द पोल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज्ड, ठीक है. सो जो पोल्यूशन लेवल है वो अगर हम देखें तो सिवियर प्लस कैटेगरी में आ गया है अकॉर्डिंग टू AQI. तो जब AQI 500 से ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि एयर पोल्यूशन लेवल सिवियर प्लस है. सो बिकॉज ऑफ दिस जो EPCA है, दैट इज़ अ सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, स्कूल्स हैव क्लोज्ड, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैज़ बीन बैंड एंड बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स हैज़ बीन बैंड, ठीक है. सो दिस सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड पैनल दैट इज EPCA हैज़ डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी. अगर हम मेजर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन देखें तो फॉसिल फ्यूल्स की कंबशन, उसके बाद स्टबल बर्निंग, उसके बाद जो डायरेक्शन ऑफ विंड्स हैं वो दिल्ली में लेके आ रही है जितनी भी पोल्यूशन है उसको. सो इट हैज़ लेड टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाई लेवल्स ऑफ पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन इन दिल्ली.
right? And a new analysis, that is Air Quality Life Index, which has been produced by EPIC, that is Energy Policy Institute at the University of Chicago, usne ye bola hai ki India mein jo average citizen hai living in Indo-Gangetic Plain area, they will lose their life expectancy by 7 years. Matlab unki jo उम्र है जितनी भी है वो 7 साल कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन, बिकॉज जो एयर क्वालिटी है इतनी ज़्यादा पुअर है, ठीक है. सो दैट इज़ वाई दे विल लूज अबाउट 7 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, एंड दिस इज़ ड्यू टू 72% इंक्रीज इन द पोल्यूशन इन द लास्ट 20 or so years. दैट इज़ होम टू अबाउट 40% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन. तो काफ़ी ज़्यादा ड्यू टू इंक्रीज इन द पोल्यूशन लेवल्स द पीपल विल लूज ऑन टू their ears. Okay, so this was regarding the current affairs of this week. Thank you.